आप सभी का नेहास क्रिएटिव किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिली पनीर। चिली पनीर तो सभी को खाना बहुत पसंद होता है। आप अगर घर बैठे ही रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चिली पनीर बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होता है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। इसमें अब हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं। हमें अरारोट या कॉर्नफ्लावर से इस पनीर को कोट करना है। अब इसमें हम कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें हम नमक भी डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे, जिससे ये पनीर के ऊपर सभी चीज़ों की एक कोटिंग सी हो जाएगी। बस इस तरह से, बस देखिए हमें इस तरह से बस इसको कोट कर देना है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर इसको हम गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और एक एक पीस हम अलग अलग करके ऐसे इसमें डालेंगे। इसको ऐसे अलग अलग करके ही डालेंगे, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर पड़ा हुआ है। कॉर्नफ्लावर में कोट करके इनको फ्राई करने से ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। और बस अब हम इनको जब तक तो हल्के से गोल्डन हो जाएंगे बस फ्राई कर लेंगे। जब हमको लगेगा कि नीचे से थोड़ा फ्राई हो गया तब हम इसको टर्न करेंगे। हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इन्हें निकालेंगे। बस देखिए इतना ही हमें इनको फ्राई करना है और हम अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए पनीर तो फ्राई हो गया है। अब हम इसको बनाने के लिए हम एक सॉस तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक कटोरी लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप इसमें इसकी जगह पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस इसमें अब हम डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। इस सॉस को हम जब ग्रेवी बनाएंगे तब उसमें डालेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। इसको हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे हम गर्म करेंगे। तेल को गर्म हो जाने पर तेल अब इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। यहाँ पर करीब मैंने 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर एकदम बारीक बारीक काट भी सकते हैं। हम इन्हें थोड़ा गुलाबी हो जाने तक फ्राई करेंगे। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें चॉप करके या काट के डालेंगे तो इसमें अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए अदरक और लहसुन भुन गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने
8 से 10 हरी मिर्च को बड़ा बड़ा काट लिया है और इस पर डाल दिया है, और 2 मीडियम साइज के प्याज को स्क्वायर शेप में काट लिया है, ऐसे चौकोर चौकोर पीसेस काट लेंगे और वो डालेंगे। 2 मीडियम शिमला मिर्च को भी हमने स्क्वायर शेप में ही काटा है, और अब इनको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। हमें इन सभी चीज़ों को गलाना नहीं है, बस इनको हमें हाई फ्लेम पर थोड़ी सी 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लेना है। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। शिमला मिर्च और प्याज तो अब ये फ्राई हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। इसमें हम 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। और जो हमने ये सॉस बना करके रखा था टोमेटो सॉस और चिली सॉस का, ये भी अब हम इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और इसमें फिर हम 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। देखेंगे अब ये पानी डालने के बाद ये ग्रेवी एकदम पतली लगेगी। इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। इसे गाढ़ा करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर का घोल डालेंगे। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक ही हम इसमें डालने के लिए कॉर्नफ्लावर का एक घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें हम करीब 1/2 कटोरी पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। करीब 1/2 कटोरी यह घोल बन करके तैयार हो जाएगा। सिर्फ हमें 1/2 कटोरी ही पानी डालना है इसमें, और ये बस ये देखिए बस इतना पतला बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें उबाल आ गया है। इसमें अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम वो घोल डालेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूसरे हाथ से हम इसे चलाते भी जाएंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े। अब हम इसमें 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे। विनेगर डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसमें एक हम हल्का सा बॉयल आने देंगे और ये बन करके तैयार हो जाएगा। 1/4 चम्मच हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। सॉस में भी नमक होता है इसलिए आप उस हिसाब से नमक डालेगा। यहाँ पे मैंने करीब 1/2 चम्मच ही नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करिएगा। इसे हम एक बार चला देंगे जिससे इसमें नमक अच्छे से मिल जाए। अब इसमें हम कुछ स्प्रिंग अनियन की पत्तियों को काट करके ऊपर से डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास हो तो डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं। चिली पनीर बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। आप एक बार ये रेसिपी बना करके देखिए, आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट रेसिपी के वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। फिर मिलते हैं ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।